राधे राधे, जय श्री राम, सभी को मेरा प्रणाम। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। नए दिन से नई वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज की वीडियो की शुरुआत मेरी हो रही है सुबह के 10 बजे से। और जैसे कि 26 तारीख को जन्माष्टमी है और पिछले साल मैंने कृष्ण भगवान की मूर्ति और वासुदेव जी की मूर्ति में पेंट करा था, तो इस बार भी करना है। और मूर्ति के हाल इतने विकट बना रखे हैं, मतलब वो माखन और चीज लगा लगा के वो बहुत ही ज़्यादा बुरा बना रखा, पूरा पेंट निकल चुका है। उसको मुझे दोबारा से करना है, तो मैं आज जाके वो करूँगी और मैं पेंट दिखाती हूँ आपको। मैं पेंट लेके आई थी और आज का मौसम बहुत गर्मी वाला है, धूप ही धूप है सुबह से, तो दिखाती हूँ मैं मौसम और उसके बाद दिखाती हूँ आपको पेंट। फिर चलेंगे हम बाद में पेंट करने। पेंट के डब्बे सब अलग अलग कलर के हैं। ये है ब्लैक कलर का शायद, और ये है ब्लू कलर का, ब्लैक, ब्लू, वाइट, ग्रीन, ब्राउन, ये है मेरे ख्याल से वाइट, छोटा वाला डब्बा है, येलो। तो ये सारे कलर है और ये 4 ब्रश हैं इसमें, 1 0 साइज का, एक थोड़ा बड़ा, उससे ये भी ये सेम सेम है और ये वो है। तो पेंट तो मेरे सारे लगभग आ चुके हैं, लेकिन अभी बारी है इनको मिक्स करने की। मैंने मतलब मैं कल मझोला गए थे हम लोग, मतलब कल मझोला गए थे और कल था शुक्रवार, तो मुझे पता नहीं था कि शुक्रवार को मझोला बंद होता है और पूरा का पूरा मझोला का मार्केट बंद था। तो क्या कर सकते थे, जो मिला वही लाए। और स्किन कलर जो होता है जो शरीर में करते, जैसे ये और क्रीम कलर के टाइप का होता है, वो बनता नहीं है वहाँ। तो उन्हें मतलब उन्हें बोला कि इतना थोड़ा हम नहीं बना सकते, बनाएंगे तो हम बहुत ज़्यादा बनाएंगे। तो मैं क्या करती है, ऐसे लेके आ गई। फिर मैंने गूगल में सर्च मारा कि कौन कौन से कलर मिक्स होके बन सकता है, तो मैं उस हिसाब से कलर्स लेके आ तो गई हूँ। अब पता नहीं मिक्स होके ये स्किन कलर बनता है नहीं बनता है या कम पड़ जाए कुछ भी, मेरे पास खाली आज का दिन है और कल कलश यात्रा है 25 तारीख को और परसों को जन्माष्टमी है। तो मुझे आज शाम तक या कल भी हो सकता है, आज शाम तक मुझे सब कुछ कलर करना है। अभी फिलहाल मम्मी और मतलब और लोग वहाँ मिलीपाई कर रहे हैं, मैं अभी घर में हूँ और पापा खेत में दवाई डाल रहे हैं, तो मैं यहाँ से जा नहीं सकती। जब पापा घर आएंगे फिर मैं यहाँ से जाऊँगी। मम्मी तो फिलहाल मंदिर में ही है, लिपाई कर दी है, तो तब तक मैं अभी दिन का खाना बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो अभी मैं तड़का लगा रही हूँ दाल में, दाल मेरी गल चुकी है, ये देखो। मैंने मम्मी को कहा था एक सीटियाँ बंद करा, मम्मी ने बंद नहीं करा, मैं बाहर से तब तक दौड़ के आती और चुका था सब खत्म। अब मुझे कढ़ाई नहीं मिली दूसरी वाली, तो मैंने इसी में बना दिया। तो ये है मेरा सामान रेडी, अब हम चलेंगे बाद में मंदिर पे। तो अभी ना मैं खाली वहाँ को मंदिर में देखने के लिए जा रही हूँ कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं करके, क्योंकि मम्मी वहीं है। तो मैं ही मंदिर में देख के आई, थोड़ा काम बचा है और मैं सोच रही थी मैं पेंट मिक्स कर लेती हूँ, जो क्रीम कलर बनाना था वो बनाती हूँ। पता नहीं बनता है या नहीं बनता है, कहाँ गया ये लो। तो ये 3 कलर है, इन दोनों को इसमें मिक्स करना है। पता नहीं है ये बनता है कि नहीं बनता है। पता नहीं क्या बनने वाला है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी हमारी सवारी पेंट लेके जा रही है, यहाँ अगरबत्ती ले जा रहे हैं मच्छर मारने के लिए। तो मंदिर ना अभी कुछ आया था और यहाँ पर देखो कृष्ण भगवान के फेस की हालत, और ये पिछले बार मैंने इसमें पेंट करा था, अब इस बार भी करते हैं। सबसे पहले ना मैं इसमें यहाँ पे वो बनाती हूँ मच्छर वाली, वो ना बहुत मच्छर काटते हैं अगरबत्ती लाते हैं। तो मैंने खाली शेषनाग में भी कलर करा और शेषनाग ग्रीन कलर तो है लेकिन होते वो ब्लैक कलर के, तो अभी इसमें डिटेलिंग बाकी है और चीज़ें शुरू करते हैं।
अभी ना मैं इसको इतना ही करके जा रही हूँ, जब ये ड्राई होगा तब इसकी डिटेलिंग करेंगे। तो मैं घर पहुँच चुकी हूँ और टाइम हो रहा है 5:30 और कच्चा थक गई हूँ, लेकिन मेरा अभी भी पूरा काम नहीं हुआ है। मेरे हाथ पैसे अभी तक गंदे हुए हैं ना, अभी पूरा काम नहीं हुआ। कल सुबह थोड़ा करूँगी और अब तक थोड़ा रेस्ट करती हूँ और खाना खाती हूँ, बहुत भूख लगी। मैं ना सुबह उठ के फिर से आ चुकी हूँ और ये ब्लॉग मैं नेक्स्ट मॉर्निंग में शूट कर दूँ, क्योंकि मैं कल घर जाते हैं खाना होने के बाद सो गई थी, इसलिए अब जो बचा कुचा पेंटिंग वो फटाफट करते हैं। सीधे पेंट करके और मैंने पेंट कर दिया है, लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ लोगों को, भाई पूरा मुंह उधड़ चुका है, पूरा सीमेंट तक निकल गया मूर्ति से। बिफोर एंड आफ्टर मैं वीडियो में दिखा दूंगी, तो देखना कैसा था और अभी कैसा हो गया, तो प्लीज अब बिगाड़ना मत कोई लोग।